जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपको अपना चिनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चिनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदी नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज की जो न्यूज़ होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। न्यूज़ ये है दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी, आपने देखा होगा चारों तरफ बहुत से, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये फेक न्यूज़ है, फेक मैसेज है, और उस पर साइन वगैरह हो रखे थे लेफ्टिनेंट मेजर के। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे अक्टूबर और सितंबर नज़दीक आ रहा है, ऐसे ऐसे ही फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि किसी को कहीं से जानकारी मिल गई, थोड़ी बहुत किसी टेरिटोरियल आर्मी के बंदे ने दे दी कि भाई इस महीने में होगी, अक्टूबर में होगी भर्ती, सितंबर में होगी भर्ती। दोस्तों ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी डेट क्लियर नहीं हुई है। दोस्तों अब बात आती है कि हम लोगों को कैसे पता, मैं आप लोगों को बिल्कुल साक्षात बताता हूँ कि हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर के पास भी ये पूरी जानकारी है कि भाई भर्ती के लिए पूरी जानकारी है, और फेक न्यूज़ जो जा रही है ना, ये फेक न्यूज़ वहीं तक वहाँ तक भी पहुँच रही है, इस बात की भी आप गौर करना। हम जो वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाता है, सारी फेक न्यूज़, अगर फेक न्यूज़ होती है तो उसकी जानकारी के साथ साथ उन यूट्यूबरों पर भी निगाह रखी जा रही है कि जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं इस बारे में। जैसे कोई नोटिफिकेशन फैला दिया, कोई पर्चा बना दिया, कोई डेट निकाल दी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की, तो आप तैयारी करते रहें। अब बात आती है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो हम किस रूप में भर्ती देखें। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि भर्ती तो आना निश्चित है, वो बाद की बात है, भर्ती तो आना निश्चित है, लेकिन अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं तो आप अपनी और भी तैयारी करते रहें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। और जो 25 से ऊपर हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो अपना काम भी करता रहे, और आपको केवल दो घंटे रनिंग के लिए देने हैं। क्योंकि अगर अभी तक तो ऐसा होता हुआ आया है कि भाई कोई फॉर्म नहीं भरे गए हैं, डायरेक्ट भर्ती हुई है 2019 तक की, मैं आपको कहानी बताऊं, और उससे मैं सबसे पहले फिजिकल हुआ है। बहुत से भाइयों ने भ्रम फैला रखा है कि सबसे पहले रिटर्न होगा, पहले ऑनलाइन फॉर्म होगा, फिर रिटर्न होगा, ऐसा कुछ भी अभी तक किसी के पास भी कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो आप लोगों को मैं सहजता से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल फोकस बनाए रखें और अपनी तैयारी बढ़ा दी। तो दोस्तों अब बात आती है, बहुत से भाई बोल रहे हैं कि भाई महारेजिमेंट की आ गई है, फलाने की आ गई है, 7 सितंबर से भर्ती है, 8 सितंबर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, आने वाले समय में बताऊंगा कि आप लोगों को इस बारे में गुमराह किया जा रहा है कि भाई इस दिन भर्ती है। देखो अभी तक कोई किसी के पास कोई डिटेल्स नहीं है, जब भर्ती आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नहीं, अखबार के माध्यम से, सबसे पहले अखबार के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को पता लग जाएगा, और जैसे ही पता लगेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट कर देंगे, यानी कि आप लोगों को बता देंगे कि भर्ती आ गई है। क्योंकि डेट नहीं, डेट, मैं डेट की बात बोल रहा हूँ दोस्तों। अब बात आती है कि भाई ये जानकारी मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अदर की तैयारी कर ले, क्योंकि दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, आप लोगों को भी पता है, वो एक टेरिटोरियल आर्मी एक हिस्सा है आर्मी का। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, तो तैयारी में अपनी लगे रहें और भी कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।